स्वामी जी पेट का वजन कम हो गया, ये अच्छी बात है। 78 साल के हो गए, एकदम मस्त, नो बीपी, नो शुगर, नो थायराइड, नो ओबेसिटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं अक्सर स्वामी जी, जो बहुत मोटे तो नहीं होते लेकिन उनकी जो चिन है वो डबल हो चुकी होती है, और इसको लेकर के बड़े कॉन्शियस होते हैं, यार ये चिन मोटी हो गई है, और कई बार लोग उसको गले में गमछा या कुछ और चीजें डाल करके उसको छिपा रहे होते हैं। तो ये जो डबल चिन की परेशानी है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या किया जाए? ये डबल चिन ना किसी किसी के तो यहाँ से पूरी निकलती है, ठोड़ी में भी एक इंच का छेद हो जाता है। इधर से दोनों तरफ से गलूरे लटकते हैं, इधर से फिर ये गलगंडा लटकता है। ये गलगंडा बोलते हैं, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे घुमाना। एक अभ्यास को 100 बार से 1000 बार तक करवाते हैं मेरे भाई हुसैन जी, उसका हमने नाम रखा है शत सहस्र साधना। क्या नाम बोला, बोलो? शत सहस्र साधना, जैसे विष्णु सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, ऐसे योग को 1000 बार तक कर सकते हैं। अब लोग जो है जिम के भी तो सेट में जाते हैं ना, तो एक एक्सरसाइज के 10 सेट करते हैं, तो 100 बार तक तो जिम में भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारा योग तो उससे भी एडवांस है। 100 बार से 1000 बार तक ऐसे कराते हैं, गला एकदम दुबला पतला, जैसे हमारा गला ये दाढ़ी के नीचे ऐसे देखोगे ना, बहुत पतला सा है हमारा गला, और पेट तो इतना सा पतला है, देखो ऐसे साइड से देखो ना तो 0 कमर साइज है। लगे रहो, अगले जन्म से पहले हो जाएगा। अगले जन्म से पहले स्वामी जी, अगला जन्म किसने देखा है? तो डबल चिन के लिए स्वामी जी एक ही अभ्यास है, इसलिए मैंने कहा अगले जन्म से पहले हो जाएगा। जी मेरे भाई, नहीं डबल चिन के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज बताया आपने, डबल चिन के लिए एक ही पर्याप्त है। अच्छा। फिर जो और करना चाहे तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, इससे थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे, और फिर भुजंगासन भी लाभ करता है, और ये जो सर्वांगासन है ना और ये हलासन, ये हो जाए तो फिर तो कमाल हो जाएगा, इससे थायराइड भी और डबल चिन भी अच्छे हो जाएगा। यो, और फिर यो पूरा, और फिर चक्रासन कर लो यदि हो जाए तो, ये लेकिन हो तो करना पड़ता है ना, तो कोशिश कर रही है गुड़िया, करो करो। हाँ ये बात भाई, ऐसे कोशिश करने वाले कर ही लेते हैं। वो दोहा है ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, तो जिनकी मति जड़ हो गई है, जो ये सोचते हैं कि केवल दवाइयों से, केवल दवाइयों से काम हो जाएगा, मेहनत नहीं करने से काम चल जाएगा, वो आज का ये शो देख ले और अपनी मति सुधार ले। जबरदस्त जैसे हर कोई प्रयास कर रहा है, चाहे वो 14 साल की बच्ची ही क्यों ना हो, बच्चा ही क्यों ना हो, या बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में हर दिन जुड़ते रहे और वजन अपना कम कराएं। स्वामी जी, डबल चिन के बाद बॉडी के जिस पार्ट पर फैट सबसे ज्यादा जमा हो जाता है वो है थाइस, जिसकी वजह से दोनों पैर, कई लोग तो ऐसे हैं आपस में इतने रगड़ते, अभी तो गर्मियों का मौसम है कि रैशेस होने लगते हैं, चलने में उन्हें दिक्कत आने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो स्वामी जी, थाइस का फैट घटाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? ये तन्वी का सबसे ज्यादा वजन यही बढ़ा हुआ है जी, इधर चलो उधर पैर करो, लेटो अब तेरा। हाँ, वजन कम करना कैसे, लेट करके एक एक पैर को 100-100 बार घुमाना है, एक पैर सीधा रखो, दूसरे को घुमाओ ऐसे ऐसे। अब ये तो बिटिया है ना, छोटी गुड़िया है, इसलिए फास्ट फास्ट घुमा रही है, मोटों को तो पैर उठाना मतलब सिर पर हिमालय उठाने जैसा लगता है। हाँ, ऐसे गोल गोल एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से घुमाओ इसी को। ये 100 बार से शुरू करके बाबू कितनी बार तक जाना है? 1000। हाँ, कर दूसरे पैर से, कर ऐसे गोल गोल, है बच्ची लेकिन, एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, और फिर साइड वाला बताया था ना, इधर मुंह करो, लेटे लेटे
और पैर उठाओ नीचे लाओ, ये पूरा जोर से फास्ट, क्या बात है, एक्टिव तो बहुत है, फ्लेक्सिबल भी है, ऐसे है ना, और ऐसे दूसरे पैर से भी उधर वो करके ऐसे करना। अच्छा, एक डिस्क्लेमर भी आज स्वामी जी, बड़ा जरूरी है, करके लगाए रखो, है ना, जो मोटे लोग हैं वो कतई नाराज ना हो, अगर हम लोगों ने कुछ हंसी मजाक में कह दिया है तो नाराज होने वाली बात नहीं है, आप मोटे हैं तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वजन कम कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे, और यही कोशिश आज यहाँ की जा रही है ना स्वामी जी। नहीं, मोटे लोग नाराज होते ही नहीं, उनको पता है, ठीक है बाबा जी, बोला जाता रहता है हम लोग को, हम लोग को बोला जाता रहता है बचपन से ही, तो फिर आदत पड़ जाती है। लेकिन अब इस मोटापे को खदेड़ना है। बोले तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भीतर घुस गया, भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। ये ऐसे करने से ना थाई हल्की हो जाती है ना, और फिर ये थोड़ा थोड़ा ये भी करना, हल्का हल्का है ना, इससे भी जंघा को एक्सरसाइज मिलती है, होले होले धीरे धीरे, पूरा बैठ के उठ के देखा, हाँ बच्चे के लिए आसान है, बड़े तो बैठ के उठ नहीं पाएंगे, क्रेन मंगानी पड़ेगी। हाँ चलो भाई, अच्छी मेहनत की, बैठो। तो ऐसे देखो, पूरी बॉडी का वेट ना सबसे ज़्यादा दो ही जगह पड़ता है, एक तो यहाँ पेट, फिर कमर और फिर जंघा, तीन जगह, 1 2 3, जंघा के साथ इधर तो आएगा ही। कपाल भाती से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ये कफ दोष है, इसलिए एक तो नशे किया करें, एक बस्ती किया करें, एक कपाल भाती, ये पूरे फैट को कम करता है, कपाल भाती, और जिसको कुछ भी ना होता हो भस्त्री का ही कर लो, ये पूरी बॉडी के फैट को कम करता है। किसी की ब्रेस्ट बहुत भारी हो जाती है, चेस्ट बहुत भारी हो जाती है, किसी किसी को तो इतना भारी हो जाता है, मतलब देखने में खुद को भी खराब लगता है और उसे शर्मिंदगी आती है, और किसी किसी की ब्रेस्ट विकसित नहीं होती, खास करके माँ बहन बेटियों को, फिर उनको विवाह आदि में भी दिक्कत आती है, और एक शारीरिक सौंदर्य का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, बॉडी की बनावट का। तो भस्त्री का प्राणायाम करने से दोनों लाभ, जिनकी ब्रेस्ट चेस्ट विकसित नहीं हुई है उनकी विकसित हो जाएगी, और जिनकी ज़्यादा बढ़ गई है उनकी नॉर्मल हो जाएगी भस्त्रिका से, और पूरी बॉडी का भी फैट बर्न हो जाता है। 1 मिनट में 5 से 10 हज़ार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है 1 मिनट में, ये मैंने पूरा मशीन पर मापा हुआ है, और जबकि मैं तो मोटा नहीं हूँ, अपना भी हनुमान आसन, मैंने अपना वेट कर रखा है 65, कितना, और मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच।